बरेली ट्रांसपोर्टर ट्रक ऑनर संगठन ने हो रही गाड़ी में लोडिंग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। वहीं जानकारी देते हुए रीता बजरी के अध्यक्ष एमपी सिंह ने बताया कि हम लोग जन्म से अंडरलोड गाड़ी चलाते हैं और बहुत से लोग हैं जो ओवरलोड गाड़ी चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की बहुत संभावना होती है। तो हमारे डीएम साहब से अनुरोध है कि ओवरलोड गाड़ियों पर रोकथाम लगाई जाए। ज्ञापन देने वालों में अमरजीत सिंह बख्शी, शोभित सक्सेना, एमपी सिंह, जमाल सिद्दीकी उपस्थित रहे। रिपोर्ट अमरजीत सिंह। मेरा नाम है एमपी सिंह, मैं रीता बजरी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। पिछले कई सालों से हम लोग आज अपने सारी यूनियन टीम के संग आए हुए हैं डीएम साहब से मिलने। हमें बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम लोग जन्म जन्म से अंडरलोड गाड़ियां चला रहे हैं, मगर कुछ लोग ओवरलोड चलाने से मानते ही नहीं है, सियासत भी करते हैं और गाड़ियां ओवरलोड भी चलाते हैं। हमारा डीएम साहब से, प्रशासन से, शासन से, आरटीओ साहब से अनुरोध है कि ओवरलोड गाड़ियों से अखबार सुबह पढ़ो, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग मरते हैं, सिर्फ ये ओवरलोड का कारण है। मगर क्या वजह है कि जो ओवरलोड नहीं रोका जाता। हम खुद तैयार हैं गाड़ी मालिक, हम लोग इस टाइम भी कम से कम 70-80 मोटर मालिक यहाँ पे आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि गाड़ियां अंडरलोड चलें, हम शासन का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, आरटीओ विभाग का साथ दें, खनन अधिकारी का साथ दें, मगर खनन अधिकारी, आरटीओ कोई सुनने नहीं चाहता हमारी बात। इसीलिए आज परेशान होके डीएम साहब के पास आए हैं कि उनसे अपील करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि अंडरलोड कराया जाए, हर गाड़ी को चेक किया जाए, कांटा किया जाए, जिससे हम भी अपनी रोजी रोटी कमा के अपने बच्चे पाल सके। यही हमारा डीएम साहब से निवेदन है। क्या नाम है सर? मेरा नाम शोभित सक्सेना है, मैं यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। क्या है मामला? ये है कि देखिए, अंडर लोड की पैरवी ट्रांसपोर्टेशन सदैव करती आई है और हम भी करते हैं। अभी विगत दिनों जो पेपर छपा अखबारों में, उसमें मुझे सिर्फ यही कहना है और डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि चेकिंग अभियान जो चलना चाहिए, चेकिंग अभियान चलाने का अधिकार है सिर्फ परिवहन विभाग का। अगर मैं चेकिंग अभियान चलाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी डीएम साहब से। मेरा कहना सिर्फ यही है कि इस चक्कर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बदनाम हो रही है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की छवि खराब हो रही है, और इस छवि को बचाने के लिए ही हम डीएम साहब के पास ये गुहार लेके आए हैं कि इस प्रकार के कृत्य दोबारा ना हो। अगर चेकिंग अभियान करना ही है तो चेकिंग अभियान परिवहन विभाग चलाए, और अगर ट्रांसपोर्टेशन को भी चेकिंग अभियान चलाना है तो परिवहन विभाग को साथ में लेके चलाए, वरना अराजकता का माहौल पैदा होगा। देखिए, जिसकी गाड़ी हम पकड़वाएंगे जाहिर सी बात है वो अपोज करेगा और दुश्मनी पैदा होगी और समाज में एक वैमनस्य की भावना पैदा होगी। तो मेरा डीएम साहब से सिर्फ यही अनुरोध है कि चेकिंग अभियान चलना चाहिए, बराबर चलना चाहिए। देखिए, प्राइवेट लोग या प्राइवेट कोई गाड़ी वाला अपने उसमें चेकिंग अभियान चलाए तो ये गलत है। हम क्योंकि हम लोगों के संज्ञान में ना था ये, ना ही वो लोग हमारे ट्रांसपोर्टेशन के सदस्य है। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की छवि खराब हो रही है, अखबार बराबर कह रहे हैं कि चौधरी भाई वहाँ से उगाई हो रही है, यहाँ से उगाई हो रही है, तो इस विषय में ही हम उनसे मिलने आए थे कि साहब इस पर सरकार प्रभाव से रोक लगे, परिवहन विभाग को आप आदेश पारित करें कि चेकिंग अभियान चलाए, संबंधित विभाग को चलाएं, चाहे एसडीएम को कहें, और ट्रांसपोर्टेशन को भी अगर सहयोग लेना चाहेंगे ट्रांसपोर्टेशन सहयोग देने को तैयार है, बशर्ते कि परिवहन विभाग साथ दे, अकेले हम गाड़ी रोकने नहीं जाएंगे।